हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हैप्पी फैमिली आराध्या चैनल से, और आप लोग जो लोग नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे सारे इस वीडियोस को। और आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ यूट्यूब के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं करीब 1 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यूट्यूब पे काम करते। 1 साल तो मैंने सिर्फ सीखा है, सिर्फ ओनली शॉर्ट वीडियोस और छोटे मोटे ऐसे लॉन्ग वीडियोस में डालते रहती थी। और मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही सीखा है, मुझे कुछ भी आता नहीं था यूट्यूब के बारे में, क्या है कैसे है। ऐसे ही मैंने एक वीडियोस देखा सबा इब्राहिम का। मैंने जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया वो मैंने सबा इब्राहिम का वीडियोस देख के बनाना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करती हैं वो, तो उनकी जब शादी थी उस टाइम से मैं उनका वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट किया, तो तभी से मैं भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। सो थैंक्स सबा इब्राहिम को देख के मेरे अंदर भी ऐसा वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा जागृत हुई। तो मुझे उनकी वीडियोस देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी यूट्यूब पे ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा, मतलब मैंने गांव वाले का भी वीडियोस देखा, जो गांव में भी लोग रहते हैं ऐसे वैसे, वो लोग भी वीडियोस बना रहे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी वीडियोस बनाऊँ। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया वीडियोज़ बनाना, और अभी काफ़ी टाइम हो गया है काम करते। चैनल अभी बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं है, बट अभी मैंने अपने दम पे 2800 के आसपास मैंने सब्सक्राइबर कर लिए हैं, और अभी तो मेरी वीडियोस चलती भी है, मतलब बहुत नहीं चल रहा है बट थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। क्या है कि मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग का ही वीडियोज़ बनाती हूँ, और ज़्यादातर मैं होटल वगैरह में जाती हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे जगह जाऊँ और ऑडियंस को दिखाऊँ, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं जैसे कि 5-स्टार होटल हैं, तो सब लोग वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना सबको दिखाऊँ ऐसा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और मैं पहले मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं रहती थी, अभी मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है थोड़ा सा वीडियोज़ बनाने में। और जैसे बहुत सारी गलतियाँ होती थी, वीडियोग्राफी अच्छी नहीं होती थी, थंबनेल अच्छा नहीं होता था, बट मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ सीखा है। सो अभी 1 साल तो हो चुके हैं, तो अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को देखिए, और जो कमी होती है प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और ऐसे ही मैं ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूँगी। तो आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय।